नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुपर्णा शिंदे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम आए हैं यहाँ, ये ओबेलिस्क करके एक जगह है श्रीरंगपट्टा में। मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं। तो ये पूरे जगह का जो ग्रीनरी है, यहाँ का छोटा सा एक हिस्ट्री है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। कभी कभार शाम को मैं, मेरे हस्बैंड, हमारा बेटा आते हैं हम लोग यहाँ ओबेलिस्क पर। यहाँ ज़्यादा लोगों का भीड़ जनरली नहीं रहता, और कभी कभी टूरिस्ट्स भी आते हैं, जिन लोगों को अगर मतलब गूगल पे जो देखते हैं कि हाँ ये भी एक प्यारा सा जगह है, तो आते हैं वो भी। गेट से एंटर होने के बाद राइट साइड में गेट ऑफ दिल्ली करके ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। दोस्तों, वो जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, रुपेश थोड़ा सा जूम करो वो ब्रिज को, वो है हमारे श्रीरंगपट्टा का ब्रिज। उस दिन जिस दिन मैं कावेरी रिवर गई थी ना मेरे हस्बैंड के साथ, तभी भी मैं आपको ये ब्रिज दिखाई थी, लेकिन तब ये दूर से दिख रहा था, अभी भी आपको दूर से ही दिख रहा होगा। तो कभी अगर उसके ऊपर से हम लोग बाइक लेके जाएंगे, मैं मेरे हस्बैंड के साथ उसके ऊपर से जब जाऊँगी, मैं तब आपको वो ब्रिज भी दिखाऊँगी। वहाँ से रिवर बहुत खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, ये जो जगह पे हम लोग आए हैं, जैसा मैं पहले आपको जो दिखाई थी एक बोर्ड ओबेलिस्क करके, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक टावर है फ्रेंड्स, ये जो वॉल देख रहे हैं आप, हालांकि टूट गए हैं काफ़ी सारे इसके जो, और हाइट पे था ये वॉल, ये ट्रेंच वॉल है। पूरे श्रीरंगपट्टा के चारों तरफ 3 ट्रेंच वॉल है। मतलब कावेरी रिवर में कभी भी फ्लड आने से या ज्यादा पानी का बहाव रहने से भी श्रीरंगपट्टा टाउन के अंदर कभी भी फ्लड नहीं आ सकेगा, क्योंकि 3 लेयर ऑफ ट्रेंच वॉल कैसे है पता है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब पानी का बहाव ज्यादा रहता है रिवर में, या कभी अगर जो मैसूर में KRS डैम है उसमें से पानी छोड़ा जाता है, डर लगता है लोगों को कि इतना बहाव है पानी का, कहीं टाउन के अंदर ना आ जाए वो फ्लड का पानी, फ्लड बोलूं या पानी का जो ज्यादा लेवल रहता है उसका पानी, वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है ये टाउन, वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। कि ये इस तरह के जो वॉल है, ट्रेंच वॉल्स, पहला एक ट्रेंच वॉल है जिसको क्रॉस करना पड़ता है रिवर का पानी, अगर वो भर जाए तो सेकेंड ट्रेंच वॉल है, फिर है थर्ड ट्रेंच वॉल। इसी से क्या होता है ना, पूरा टाउन प्रोटेक्टेड रहता है। तो कभी भी फ्लड हो या कोई भी इस तरह का कंडीशन हो कि ज्यादा पानी है रिवर में, काफी ज्यादा हाई लेवल में पानी बह रहा है, तो भी टाउन को कुछ नुकसान होने का डर नहीं रहता। आइए चलते हैं जो ओबेलिस्क टावर है वहां पर। यहाँ से भी दिखेगा आपको श्रीरंगपट्टा का रेलवे ब्रिज, और वो जो व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये है गन हाउस। टोटल 8 गन हाउसेज हैं श्रीरंगपट्टा में टीपू सुल्तान के जमाने से। और आपको वो दिख रहा है ओबेलिस्क टावर, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से जब हम रिवर देखते हैं तो कई बार ऑटर्स भी दिख जाते हैं, OTTERS ऑटर्स। खैर आज तो नहीं दिखे, बट हाँ कई सारे बर्ड्स हमेशा भी दिखते हैं, आज भी दिखे। तो मिस कर रहे हैं हम लोग हमारे बेटे देवो को, है ना रूपी? क्योंकि उसका ट्यूशन क्लास है फ्रेंड्स, तो क्या किया जाएगा, वो गया अपने ट्यूशन, उसके एग्जाम्स भी चल रहे थे इतने दिन, तो हमने सोचा ठीक है। और आज वेदर भी कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडी है इतने दिनों से, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर रोज़ शाम को या तो क्लाउडेड वेदर रह रहा है या फिर बारिश हो रहा है, और हम दोनों को भी अपने अपने वर्क प्लेसेस से आने में काफ़ी लेट हो जा रहा था। पर आप लोगों के साथ बात करने का भी मन था मुझे, बहुत आप लोगों के साथ मिलने का बहुत मन था, इसलिए आ गए हम। फ्रेंड्स, मेरा ये वाला वीडियो शायद मेरा 5th वीडियो रहेगा। तो जब से मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला है सितंबर 17 से, रेगुलर इसलिए आप लोगों को व्लॉग्स नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं जॉब करती हूँ, और क्या होता है ना कि जॉब से आने के बाद फिर घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, मेरा एक छोटा सा बेटा है 10 ईयर्स का, उसको पढ़ाने का रहता है, और कुछ दिनों से ना हर रोज़ बारिश भी हो रहा है, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया।
बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे ये चैनल शुरू होने के सिर्फ 10 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने मेरा बना दिया है। अभी शायद फिलहाल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 110 समथिंग कुछ है जो मैं आज सुबह देखी। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों का इतना सपोर्ट, प्लीज़ बनाए रखिएगा आपका सपोर्ट यूं ही मेरे साथ। और जो भी गलतियां रहेंगी मेरे वीडियो में प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को और किस तरह के वीडियोस अच्छे लगेंगे। एक बार यहाँ पे आइए, मैं ना दर्शकों को दिखाना चाहती थी कि जब भी कोई आप मॉन्यूमेंट को देखेंगे, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो या मतलब क्या कहे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट हो, ये जो वॉल्स पे या फिर उन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स पे लोग क्या क्या लिख के रखते हैं अपने ना अमर प्रेम की गाथा, उससे हमारे मॉन्यूमेंट्स कैसे अजीब दिखते हैं ना, जबकि हमारे इतने सुंदर कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं पूरे इंडिया में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग डेफिनेटली ऐसा नहीं करते होंगे मुझे पता है, पर प्लीज़ अगर आप देखें ऐसे लोगों को जो इस तरह की खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को उनके दीवारों पे अपनी अमर प्रेम गाथा का पूरा एपिक्स लिख के रखते हैं, प्लीज़ मना कीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्लाउडी वेदर है फ्रेंड्स, इसलिए पता नहीं आप लोगों को क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा है कि नहीं, पर बहुत खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। रुपी थोड़ा सा चंद्रवना आश्रम पे फोकस करूँ। फ्रेंड्स थोड़ा जूम करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग कैमरे को, वो है चंद्रवना आश्रम, कभी अगर वहाँ जाएंगे हम लोग तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। रिवर में पानी अभी थोड़ा कम है, यहाँ आने से बहुत अलग अलग वैरायटीज के बर्ड्स, उनके अलग अलग चर्पिंग साउंड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड एज यूजुअल मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है ही। थोड़ा पीछे रिवर आपको दिख रहा है और रिवर का पानी अभी थोड़ा सा मडी है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश का सीजन है तो ऑब्वियसली पानी देखिए थोड़ा मडी दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली अवेरी रिवर का पानी ना बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है, पर रेनी सीजन में हर जगह का पानी ही मडी हो जाता है। तो ये है वो टावर जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं जो 1799 में एंग्लो ब्रिटिश बैटल जो हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, वो सारे सोल्जर्स का जिनका डेथ हुआ था उस बैटल में, उनके नाम इंस्क्राइब किए गए हैं। अलग अलग कंट्रीज से ये सोल्जर्स बिलोंग करते थे। इस टावर को बनाया गया था 1907 में मैसूर गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि तब वडियर डायनेस्टी ही था मैसूर के गवर्नमेंट में। पूरा शूट करने को इसलिए नहीं हुआ फ्रेंड्स क्योंकि आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए थे और वो शाई फील कर रहे थे, हर कोई तो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते है ना, तो इसलिए पूरे टावर का शूट नहीं कर पाए हम। ओके फ्रेंड्स, तो अभी चलेंगे हम लोग घर, अभी तुरंत नहीं, और फिर आपसे जल्द ही मिलूंगी। और यहाँ का ब्यूटी लास्ट एक बार मैं रुपेश जी से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा आपको एक अच्छा यू नो व्यू दिखाए। श्रीरंगपटना में कभी आप लोग आएंगे ना फ्रेंड्स, तो घूमने का तो बहुत सारा जगह है। क्या होता है ना कि सिर्फ कुछ हाइलाइटेड जगह को दिखाया जाता है, मतलब आप लोग या तो KSTDC के थ्रू आते हैं या प्राइवेट व्हीकल्स में आते हैं। KSTDC मतलब कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो उनके व्हीकल से जब आप आते हैं तो सिर्फ हाइलाइटेड मॉन्यूमेंट्स को आप देख पाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ आसपास इतने खूबसूरत जगह हैं श्रीरंगपटना में, वो मैं ज़रूर मेरे वीडियो में शेयर करूंगी। तो होपफुली अगर आप नेक्स्ट टाइम कर्नाटका आएंगे, वो भी मैसूर में, श्रीरंगपटना में, बैंगलोर में, तो इन सारी जगहों को ताकि आप लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। अगर क्लाउडी वेदर नहीं होता ना फ्रेंड्स, और खूबसूरत दिखता आपको ये जगह। मेनली हम लोग यहाँ आते हैं, मतलब काफ़ी काम पीसफुल जगह है, ज़्यादा लोगों का भीड़ नहीं होता, हालांकि आज तो कुछ लोग थे, कोई बात नहीं, लोग तो आएंगे ही, हम भी तो आए ही हैं और मिस कर रहे हैं हमारे बेटे देव को, क्या करेंगे। देखिए 10 दिनों में इतना जल्दी इतना
सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अच्छा है। ओके, और ये जगह आपको कैसा लगता है? ये तो आपको जितना भी काम पे कि दिन भर पूरा काम पे जितना भी थके रहो, इधर आने से शाम के वक्त इतना रिलैक्स हो जाएगा। बट आज का दिन मैं मेरा बेटे के लिए बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या किया जाएगा, ट्यूशन था उसको नहीं ला पाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा देवो को भी कभी कभी हमारे साथ शाम को ऐसे घूमने के लिए लेके आए, ताकि आप लोग भी उसको देख सके और उसकी मीठी मीठी बातें सुन सके।